जगबाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान में रहते सिख उत्थे महफूज नहीं हैं, उन्होंने नाल नित दिन धक्केशाही होने दी खबर सामने आउंदियां रहिंदियां ने। ते बीते दिन भी एक गुरद्वारा साहिब दे विच कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने उत्थे वड़ के कीर्तन बंद करवा दिता सी। ते यह भी सुनने दे विच आया कि उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल भी बेअदबी की गई है। इस तो पहले भी गल करिए उत्थे सिख जिहड़े व्यक्ति ने उन्होंने लगातार हमले हो रहे हैं। पेशावर की गल करिए पेशावर के भी एक नौजवान सिख का कतल कर दिता गया गोलियां मार के, ते एक नौजवान जख्मी दस्या जा रहा है। तो जेकर बीते दिन की गल करिए बीते दिन जो ये मंदभागी घटना सिंध सूबे दे विच वापरी है, तो उस तो बाद सिख जथेबंदियों दे विच खासा रोष देखने को मिलता पाया है। तो उसका एक वीडियो भी सामने आया है। बकायदा बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस वीडियो नू अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। तो इस मंदभागी घटना नू बहुत ही निंदन योग दस्या है। उन्होंने कहा कि लगातार जो पाकिस्तान दे विच सिख वसे हुए ने उन्होंने नाल धक्केशाही होंदी आ रही है, अजिहा नहीं होना चाहिए। तो हम दस दिए कि जो ये वीडियो तुसी देखते पे हो, ये गुरद्वारा जो पाकिस्तान दे विच है, गुरद्वारा इसका नाम सिंह सभा गुरद्वारा कहा जाता है। तो इत्थे जो कीर्तन लगातार जो किया जा रहा सी, तां कुछ लोगों के वलों जो मुस्लिम धिर दे लोग दसे जा रहे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी दसे जाते हैं, उन्होंने आके गुरद्वारा साहिब दे विच हल्ला मचाया। तो उस तो बाद जदों वो कीर्तन उत्थे कीर्तनीय करते पे सन, तो उन्होंने कीर्तन रोक दिता, उन्होंने नाल दुर्व्यवहार किया, कीर्तन नू बंद कर दिता। तो इस तो इलावा उत्थे ये भी सुनन दे विच आ रहा कि इत्थे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल भी बेअदबी की गई है। तो उस तो बाद जो वड्डे इल्जाम लगे ने जो सिख जथेबंदियों के वलों लगाए गए हैं कि जिन्हों लोगों ने बेअदबी की है, जो कीर्तन रुकवाया है, उन्हों के खिलाफ़ पुलिस प्रशासन के वलों कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि जदों पिंड सूकर के इतिहासक गुरद्वारा के कीर्तन चल रहा है, तो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम फिरके के लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करनी शुरू कर दी। तो माइक पर कब्जा करके चल रहे धार्मिक कीर्तन नू भी बंद करवा दिता। मौके पर हाज़र सिख अते हिंदू फिरके दे लोकां ने इल्ज़ाम लगाया कि एक तो इस घटना के विरोध में किसी भी मुस्लिम नेता ने कुछ भी नहीं बोलिया, तो असी लोगों ने जिन्हां मुलजमां ते काबू पा के पुलिस के हवाले किया, उन्हां नू भी पुलिस ने कुछ समय बाद ही छड़ दिता। इस संबंधी कीर्तन करने वाले पाठी ने इल्ज़ाम लगाया कि वह कीर्तन कर रहा सी, तां अचानक लाउड स्पीकर की आवाज़ बंद हो गई है, माइक ते सानू धमकियां दित्तियां जाण लगियां, ते कीर्तन बंद करन नू किया गया। कट्टरपंथियों ने सिख धर्म के बारे में अपशब्द भी बोले। कुछ समय के लिए तो अफड़ा तफड़ी पैदा होना सुभाविक सी, पर हिम्मत करके असी कुछ लोगों पर काबू पा लिया, पुलिस के हवाले कर दिता। पर पुलिस ने कुछ समय बाद ही मुलजमान छड़ दिता, मुलजम गुरद्वारा कंपलैक्स के आ के फिर घूम लग पे। धार्मिक व्यक्ति ने उतों के जो एक धार्मिक व्यक्ति है, उन्होंने कहना है कि बीते लगभग 100 साल तो इस गुरद्वारा के असी कीर्तन अरदास करते रहे हैं, सानू किसी तरह की परेशानी सामने पेश नहीं आई, पर हुण जो होया उसके नाल साड़ी धार्मिक भावनावां ठेस पहुँची है। सिख फिरके दे लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस घटना संबंधी साड़ी लिखती शिकायत के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, ना ही मुलजमान नू गिरफ्तार किया है, जदों के कुछ दिन पहला ही एक सिख नौजवान मनमोहन सिंह का गोली मार के कतल कर दिता गया, तरलोक सिंह नामक सिख गोली मार के जख्मी कर दिता गया। सो ये मंदभागियां घटनावां जिहड़ियां पाकिस्तान दे विच लगातार वापरदियां पईयां ने, इन्हां नू लै के उतों का प्रशासन, उतों की सरकार सिखां दे इस मसले नू लै के कोई भी पुख्ता कदम चुकती नज़र नहीं आ रही, जिसका सीधा सीधा रोष लोगों के विच देखण नू मिलता पिया है। तो जो मौके का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से भी वायरल हो रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसनों अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया, वह भी तुहानू सुनाने कि उत्थे जदों जिहड़े लोग अपने इंसाफ की मांग के लिए उत्थे पहुँचते हैं, पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो उत्थे कि माहौल पैदा होंदा है, सुनते हैं। वाहिगुरु खालसा फतेह। रागी अजय सिंह दौरान कीर्तन जब कीर्तन कर रहा था तो अचानक से लाउड स्पीकर कम हो गई, अफरा तफरी मच गई, बोला कि नीचे बंदे आ गए, भाई कीर्तन बंद करो। मैंने कहा भाई कीर्तन क्यों बंद करें, ये ज़बरदस्ती हमारा कीर्तन बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये गुरुद्वारा सखर का 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना हम यहाँ पर बंदगी करते आ रहे हैं, हमारे बड़े पूर्वज यहाँ पर बंदगी करते आ रहे हैं,
कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। और ये अगर हमें तकलीफ दे रहे, ये कौन सा पाकिस्तान है? ये क्या माइनॉरिटीज वाला पाकिस्तान है जो माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है? जो कायदे आजम ने बोला था आप आज़ाद हो, आपके मंदिर आज़ाद हैं, आप आज़ादाना अपनी बंदगी कर सकते हो, आप आज़ादाना अपनी पूजा कर सकते हो, ये वो पाकिस्तान है? और हमारी एफ आई आर भी नहीं दर्ज कर रहे, ना वो मुल्ज़िम गिरफ्तार कर रहे हैं जो अंदर आ रहे थे, बेरहमती कर रहे थे, गिरफ्तार हुए छोड़ दिए, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कर रहे थे अंदर जाकर, ये तो बड़ी बात है सिख के लिए, बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों जिमें कि तुसी वीडियो दे विच भी देखा कि उत्थे लोग जो पुलिस थाने पहुंचे हुए ने उन्होंने वालों लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है, तो उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि जिहड़े लोगों नूं उत्थे जिहड़े लोगों ने गुरद्वारा साहब दे विच आके हुड़दंग मचाया सी, कीर्तन बंद करवाया सी, बेदबी की, उन्होंने खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने छड़ दिता है। हुण वेखना होगा कि उत्थों दा प्रशासन, उत्थों दी सरकार किस तरह का जो फैसला लेंदी है कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, एक बहुत बड़ा सवाल बनया होया। तुसीं बने रहो जगबाणी टीवी दे नाल, धन्नवाद।